Hello friends, my name is Yogesh Shogendra I am a problem set at Hacker and an incoming software engineer at Ecolite Digital. Okay, so before moving to the course, let's know about what is Newton School and what are their launchpad. First of all, Newton School is a platform which prepares you for careers in tech. It has course designed for the freshers, working professionals and also for the women with a no tech background. Newton School first trains you for the first six months and helps you becoming a full stack developer. It also has a network of more than 300 great companies who hire from the Newton School. So, once the training is complete, Newton School also ensures that its students get placed with some of the best companies in the country. And the best part is that Newton School has a pay after placement program under which you don't have to pay Newton School anything until and unless you are placed with a minimum CTC of 5 LPA. Wow, that's great. Okay let me tell you about the launchpad initiative okay so launchpad is an initiative taken by the newton school for the people who want to start coding from scratch and learn the basics of different programming language for absolutely free of cost this video would also be available in the launchpad section of the newton school there you can practice several quizzes and the assignments related to this course fine so let's begin with this course so, hello everyone welcome back to the another lecture of dsa with c++ course तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट स्कोप ऑफ अ वेरिएबल बट अगर तुमने लूप वाला वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज उसे चेकआउट कर लो प्ले में मैंने लाइन से पूरा पढ़ा रखा है तो पहले लूप वाला वीडियो देख लो फिर यहाँ पर तुम्हें ब्रेक एंड कंटिन्यू देखने में मज़ा आ रहा होगा ठीक है तो चलो स्टार्ट करते हैं तो टुडेज लेक्चर इज ब्रेक स्टेटमेंट कंटिन्यू स्टेटमेंट और स्कोप ऑफ अ वेरिएबल ठीक है हम लोग पहले ब्रेक स्टेटमेंट समझेंगे फिर उसके बाद कंटिन्यू समझेंगे और उसके बाद फिर हम लोग स्कोप में आ जाएंगे ठीक है तो ब्रेक स्टेटमेंट के मैं तुम्हें एक, एक साधारण सा पहले मैं तुम्हें एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट बताता हूँ ठीक है उसके बाद हम उसका सोल्यूशन देख रहे होंगे और कैसे ब्रेक और कंटिन्यू हमारा हेल्प कर रहा होगा उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट का सोल्यूशन निकालने के लिए ठीक है तो मेरा जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है मैं बताता हूँ ठीक है तो हमारा जो लूप है ठीक है लूप वाला मैं फिर से बोल देता हूँ अगर तुमने लूप वाला वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाके चेकआउट कर लो प्ले में सब एडअप है ठीक है तो जो हमारा लूप है मुझे बोला गया है आई हैव टू रन अ लूप फ्रॉम वन टू टेन ठीक है

लूप है कुछ इस टाइप का हो रहा होगा मैं यहाँ पर i इज इक्वल्स टू वन आई इज लेस देन इज इक्वल्स टू टेन आई प्लस प्लस ठीक है और यहाँ पर क्या हो रहा होगा यहाँ पर मैं प्रिंट कर रहा हूँ आई ठीक है यहाँ पर मैं आई प्रिंट कर रहा हूँ ठीक है तो ऐसे क्या होगा अभी जो मैं कोड लिखा हूँ अभी जो मैं यहाँ कोड लिखा हूँ मेरा वन से लेकर टेन तक सारे नंबर्स प्रिंट हो जाएंगे ठीक है सारे नंबर प्रिंट हो जाएंगे बट आई हैव टू प्रिंट ओनली वन टू फाइव तो इसका मतलब तुम्हें समझ आ रहा है मतलब मेरा जो क्या है मेरा वो फिक्स है लूप फिक्स है लूप मेरा वन से टेन तक ही चलेगा ठीक है तो यहां पर कुछ हमें ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाना होगा फॉर लूप के अंदर ठीक है तो ये बताने से पहले और एक बात बता देता हूं ये जो ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट है ये सिर्फ तुम लोग लूप्स में लगा सकते हो इफ एल्स में नहीं लगा सकते ठीक है ये लूप्स में लगाते हैं हम लोग फाइन तो हमारा लूप तो टेन तक ही चल रहा है बट कैसे करेंगे बताओ तुम लोग हमें सिर्फ फाइव तक ही प्रिंट करना है तो इसका मतलब हमें कहीं ना कहीं लूप को ब्रेक करना होगा ब्रेक का मतलब क्या होता है तोड़ देना ठीक है पॉज कर देना मतलब मतलब एग्जिट कर देना एक तरफ से ठीक है तो मतलब हमारा जो लूप वन से टेन चल रहा है हमें कुछ ऐसा करना होगा जो वन से फाइव तक चलेगा उसके बाद हम लोग निकल जाएंगे बाहर मतलब फिर लूप क्या टूट जाएगा मतलब लूप लूप अब आगे चलेगा ही नहीं ठीक है ऐसा कुछ करना होगा फॉर दैट वी यूज द ब्रेक स्टेटमेंट मतलब ब्रेक क्या होता है ब्रेक नाम से समझ आ रहा है ना कि तोड़ देना मतलब ब्रेक कर देना ठीक है तो ब्रेक का मतलब ही मतलब नाम से समझ आ रहा है तो हमें क्या करना है वन से फाइव तक प्रिंट कर लेंगे और उसके बाद क्या करना है हमें ब्रेक कर देना है तो वैसा कुछ करना होगा तो आई थिंक तुम्हें मैं कोड में समझाता हूं तो ज्यादा बेटर से समझ आएगा लेट मी राइट दी कोड फर्स्ट तो देखो यहां पर मैं यहां क्या लिखा हूं फॉर ठीक है लिख दिया यहां पर लूप चला दिया मैं सिर्फ ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा हूं देखो यहां मैं प्रिंट भी कर रहा हूं मैं को यहां प्रिंट भी कर रहा हूं सिर्फ मैं ये वाला पार्ट एक्स्ट्रा कर रहा हूं इफ इज ग्रेटर देन 5 देन ब्रेक ठीक है मतलब मैं कंडीशन क्या लिखा हुआ आई इज ग्रेटर देन फाइव अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तभी हम लोग इस इफ वाले लूप में जा रहे होंगे वरना नहीं जाएंगे इफ स्टेटमेंट जाएंगे वरना नहीं जाएंगे ठीक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई इज वन इज आई इज ग्रेटर देन फॉल्स तो हमारा प्रिंट हो रहा होगा फिर हमारा आई में इज ग्रेटर देन फॉल्स तो प्रिंट होगा थ्री इज ग्रेटर देन फॉल्स प्रिंट होगा वैसे ही फोर प्रिंट होगा वैसे ही फाइव प्रिंट होगा जैसे ही आई का वैल्यू सिक्स हो जाएगा सिक्स इज ग्रेटर देन फाइव या इट्स ट्रू तो जैसे यहां पर हम लोग इस इफ लुक के अंदर इफ sorry, इफ सॉरी स्टेटमेंट के अंदर हम लोग गए तो यहां पर मैं ब्रेक कर रहा हूं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ब्रेक मैं क्या बोला ब्रेक क्या करेगा फॉर पूरा बाहर आ जाएगा ठीक है मतलब वो जहां तक अब चल गया, चल गया अब जैसे हम लोग ब्रेक में विजिट करेंगे मतलब जैसे हमारा हाइट्रेशन ब्रेक में आया बस वो क्या करेगा जो वो एग्जिस्टिंग लूप में था ठीक है उस लूप से वो बाहर आ जाएगा हम तो इसको रन करके देखते हैं तो सिर्फ वन टू फाइव प्रिंट होगा ठीक है

ब्रेक स्टेटमेंट लगा के हम लोग वन टू फाइव प्रिंट करना सीख लिए नाउ आई टू प्रिंट सिक्स टू टेन अब मुझे सिक्स टू टेन प्रिंट करना है अब ये काम कैसे करेंगे हम लोग क्योंकि तो हम लोग का तो ब्रेक का मतलब क्या था कि जैसे ही हम लोग उसमें आए बस बाहर निकल जाओ तो कंटिन्यूस यूज कंटिन्यू का मतलब कंटिन्यू का यूज तो करेंगे सिक्स टू टेन प्रिंट करने करेंगे तो कैसे करेंगे तो उसके लिए हमें पहले समझना होगा उसका मतलब कि वाट डू यू मीन बाई कंटिन्यू स्टेटमेंट पहले यह समझना होगा तो कंटिन्यू का बेसिकली मतलब क्या होता है कंटिन्यू क्या होता है जैसे हम लोग कंटिन्यू को विजिट करेंगे अपने लूप में ठीक है तो क्या करेगा ना कंटिन्यू जैसे विजिट हुआ जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप था वो एग्जीक्यूट नहीं होगा वो वापस नेक्स्ट आइट्रेशन में चल जाएगा जैसे मैं यहाँ पर जैसे यहाँ पर फॉर लूप लिखा ये डॉट 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 दे देता हूँ एक बार के लिए ठीक है ये हमारा लूप है जैसे मैं यहाँ पर कुछ लिखता हूँ यहाँ पर सी आउट नेम करता हूँ ठीक है सी आउट नेम किया मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिख दिया ठीक है मैं यहाँ कंटिन्यू लिख दिया और फिर यहाँ पर मैं सी आउट करता हूँ यहाँ पर योगेश करता हूँ ठीक है मैं यहाँ पर कंटिन्यू सी आउट योगेश किया देखो मैं यहाँ पर कंटिन्यू लिखा हूँ तो जैसी मतलब आईकॉल्स आई टू वन से टेन तक लुक चला हुआ है ठीक है तो पहले आएगा यहाँ पर लूप पहले क्या करेगा नेम प्रिंट करेगा जैसी वो कंटिन्यू देगा वो इस वाले पार्ट को नहीं प्रिंट करेगा तो ये हम लोग कंटिन्यू देख लिए ना तो कंटिन्यू अगर आ गया हमारे लूप के अंदर

फिर फाइव पे गया फिर कंटिन्यू हो गया जैसे ही आई का वैल्यू सिक्स हो गया इस सिक्स इज लेस देन इक्वल्स टू फॉल्स फॉल्स हो गया इस इफ लूप में हम लोग नहीं जाएंगे और फिर ये नीचे वाला प्रिंट हो जाएगा ठीक है तो ऐसा प्रिंट हो गया फिर 7 पे आए क्या सेवन के लिए पॉसिबल है सेवन लेस देन फाइव है नो इट्स फॉल्स फिर से नीचे प्रिंट हो जाएगा वैसे ही एट नाइन टेन पे प्रिंट हो जाएगा तो आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड द लॉजिक बिहाइंड इफ ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट ब्रेक कहाँ यूज करना है कंटिन्यू कहाँ यूज करना है अगर मैं तुम्हें बेसिक डिफरेंस बोलूँ बेसिक डिफरेंस ब्रेक एंड कंटिन्यू ठीक है अगर बेसिक में अगर डिफरेंस की बात करूँ तो ब्रेक हम लोग क्या ब्रेक क्या करता है लूप के बाहर निकाल देगा ठीक है लूप से हम लोग को बाहर निकाल देगा जहां हम लोग इसको एनकाउंटर करेंगे ब्रेक को लूप से हम लोग को बाहर निकाल देगा ठीक है और जब हम लोग कंटिन्यू को एनकाउंटर करेंगे तो ये नेक्स्ट आइट में चल जाएगा ठीक है नेक्स्ट आइटे ठीक है मतलब जो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लूप है जैसे यहाँ पर मेरा कंटिन्यू यहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ कंटिन्यू लिखा हुआ है तो जो ये वाला पार्ट है ये वाला पार्ट ये वाला पार्ट एग्जीक्यूट नहीं होगा ये नेक्स्ट हाइट्रेशन में चल जाएगा और फिर से फिर से फॉर लूप चल रहा होगा मतलब नेक्स्ट हाइट्रेशन वाला चल रहा होगा ठीक है तो ये एकदम बेसिक सा यहाँ पर ब्रेक एंड कंटिन्यू का डिफरेंस हो गया ठीक है अब हम लोग चलते हैं स्कोप ऑफ वेरिएबल हम लोग यहाँ पर ब्रेक देख लिए कंटिन्यू देख लिए स्कोप ऑफ वेरिएबल देख लेते हैं तो स्कोप ऑफ वेरिएबल मैं बोल सकता हूँ तुम्हें कि जो एक वेरिएबल है उसका क्या स्कोप है मतलब एक वेरिएबल मैं एग्जाम्पल लेता हूँ यहाँ पर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर इंट एज इक्वल्स टू ट्वेंटी ठीक है मैं यहाँ पर एक एज ले लिया लेकोन लिखना मत भूलना ठीक है लिखते हैं. तो इंट एज इक्वल्स टू मैं ट्वेंटी लिख दिया हूँ ठीक है तो अभी ये जो है इसमें ये क्या डेटा टाइप हो गया ये वेरिएबल हो गया ठीक है तो एज हमारा एक वेरिएबल है ठीक है अब मुझे चेक कर रहे हैं इस वेरिएबल का स्कोप क्या है मतलब इसको हम लोग कहाँ कहाँ कोड में यूज कर सकते हैं ये मेरा कोड लिखा हुआ है कुछ भी भी मेरा कोड लिखा है तो मैं इस वेरिएबल को मैं यूज कर सकता हूं, तो उससे मैं जहां -जहां कर सकता हूं इंडिया के बाहर जाना हो तुम्हें वीजा लगेगा इफ यू डेव एनी अदर कंट्री तो तुम्हारा स्कोप कहा है मान लो तुम्हारा वीजा नहीं है ठीक है then what is your scope? तुम सिर्फ इंडिया पे ही कहीं भी घूम सकते हो यू कैनोट गो आउटसाइड इंडिया मतलब दूसरे कंट्री अगर दूसरे कंट्री में तुम्हें जाना है तो तुम्हें वीजा लगेगा बट फॉर इन यू डोंट एनी वीजा तब तुम सिर्फ इंडिया पे ही घूम सकते हो और कहीं बाहर नहीं जा सकते ठीक है तो वा, वा, उसका मतलब क्या हो गया कि तुम्हारा जो स्कोप है वो सिर्फ इंडिया तक है इफ यू डोंट हैव एनी वीजा ठीक है तो बस यही हो गया यहाँ पर ये जो यहाँ एज वेरिएबल है इसका क्या स्कोप है ये जहां जहां यूज कर सकते हैं इसे हमें वो उसका स्कोप हो गया ठीक है अब हम इसे थोड़ा कोड में समझते हैं मैं तुम्हें तो कोड तो में तो समझाता तो हूँ कि स्कोप और वेरिएबल क्या होता है ठीक है तो मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर एक एक मैं ब्लॉक लिख देता हूँ ब्रेसेस दिया टेन ठीक है सी आउट कर देता हूँ आई ठीक है मैं टेन प्रिंट हो रहा होगा ठीक है टेन प्रिंट हो गया तो अब मैं जैसे मैं यहाँ लिखा हूं मैंने एक ब्रेसेस के अंदर मैं लिखा हूं ठीक है तो यहाँ पर मैं इंट आई का टेन लिखा हूं इसका मतलब क्या हो गया ये जो आई है इसका जो स्कोप है सिर्फ दिस

सिर्फ अपडेट करता हूँ आईजिकल्स टू आई प्लस फाइव मैं सिर्फ अपडेट ही करता हूँ तब भी मेरा यहाँ पर कुछ प्रिंट नहीं हो रहा होगा सिर्फ फिर से मेरा आ गया i इज नॉट इन दिस को बिकॉज वी आर अपडेटिंग अपडेटिंग एट लाइन नंबर तो आई थिंक हम लोग बाहर भी इसको अपडेट नहीं कर सकते बेसिकली इसे यूज ही नहीं कर सकते बाहर बिकॉज ये जो i का स्कोप था इस, इस, पर, इस ब्रेसिस के अंदर ही था बट वी इफ वी वॉन्ट टू अपडेट आई आउटसाइड तब कैसे करेंगे कुछ तो करना होगा तो इसके लिए मैं क्या करूंगा यहां पर भी एक आई वेरिएबल ले, ले लेता हूं ठीक है मैं यहां पर क्या किया आई टू मैं यहां पर ले लिया सिक्स ठीक है आ, इसको एक बार भूल जाओ मैं इसको रन ले दो ठीक है अब देखना ये जो वेरिए, ये वाला जो है अब एरर नहीं आएगा मैं इसे रन कर रहा हूँ देखना एरर नहीं आ रहा होगा रन कर दिया और ये टेन आराम से प्रिंट हो गया अब तुम लोग पूछोगे कि यहाँ पर तो ये वाला ठीक है भाई ये आईकल टू टेन तो प्रिंट हुआ फिर यहाँ पर जो मैं आईकल टू आई प्लस फाइव लिखा तो एरर क्यों नहीं आया इसके पहले तो एरर आ रहा था

वो ब्रेसेस के अंदर था और फिर ये वाला जो है ये वाला में, जो में है हमारा उसमें लिखा हुआ है ठीक है मतलब क्या लगता है अपडेट नहीं कर रहा हूं यहां पर टेन था यहां पर, तो पर तो टेन ही प्रिंट होगा बिकॉज इसका जो नियरेस्ट आई कौन सा ये वाला है ये वाला पार्ट में हो गया ठीक है बट यहां पर कौन प्रिंट होगा सिक्स या टेन कैस करो देख लो यहां पर सिक्स प्रिंट होगा ठीक है सिक्स क्यों प्रिंट होगा बिकॉज ये वाले आई को हम लोग बाहर यूज नहीं कर सकते बिकॉज उसका स्कोप सिर्फ उस पे पैरेंथिस के अंदर है ठीक है बट यहाँ पर कौन सा आई को यूज कर सकते हैं दिस आई बिकॉज ये जो आई है इसका स्कोप यहाँ पर है दिस कैन बी प्रिंटेड है ठीक है हम लोग इसे अपडेट भी कर सकते हैं जब अपडेट करेंगे तो वो बाहर वाला सिक्स को इलेवन बना देगा सिक्स इज नॉट चेंज टू इलेवन तो ये जो अपडेट किए ये वाला भी जो इस वाले आई को ही अपडेट करेगा अंदर वाले आई को अपडेट नहीं करेगा बिकॉज अंदर वाले आई का जो स्कोप है सिर्फ इतना ही है तो मैं इसके बारे में और डिस्कशन करूंगा कि जो तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं तो अभी जो मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ ये सब लोकल वेरिएबल है ठीक है ये जो आई है ये लोकल वेरिएबल है जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं वो बाहर हम लोग जैसे ये इंट मेन है इंट मेन यहाँ यहाँ पर मैं डिक्लेयर करूंगा मैं कुछ भी वेरिएबल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं देखा इंट आई इज इक्वल्स टू फिफ्टीन ठीक है यहाँ पर मैं जो भी लिखूंगा दिस विल बी आवर ग्लोबल वेरिएबल तो मैं इसके बारे में थोड़ा और डिस्कशन करूंगा बट उससे पहले मैं फंक्शन फंक्शन आई थिंक पहले एक्सप्लेन कर दू तब ग्लोबल और लोकल वेरिएबल का बताने में इजी होगा वैसे तुम्हें आई थिंक पता चल गया और थोड़ा बहुत ठीक है बट व्हाट आई थिंक इज दैट फर्स्ट आई वांट टू कंप्लीट फंक्शंस क्योंकि फंक्शन बता दूंगा तो तुम्हें वहां यूज करके दिखाऊंगा कि वहाँ लोकल वेरिएबल कैसे काम कर रहा है ग्लोबल वेरिएबल कैसे काम कर रहा है फिर लोकल और ग्लोबल के बारे में डिस्कस कर रहे होंगे तो आई थिंक आज का हम लोग सब कुछ डिस्कशन कर लिए हैं कि ब्रेक कंटिन्यू एंड एंस वेरिएबल क्या होता है और तुम्हें ब्रेक नहीं तो अच्छा समझ आ गया होगा स्कोप अगर नहीं भी समझ आया अच्छे से तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे लोकल एंड ग्लोबल वेरिएबल के बारे में क्योंकि फंक्शंस नहीं बताया ना तो वो मैं नहीं स्टार्ट कर सकता मुझे लगता है पहले फंक्शन बताना चाहिए तो या आई थिंक यू हैव अंडरस्टूड एवरीथिंग इन टूडेज लेक्चर तो अगर वीडियो पसंद आई हो यार तो लाइक मार देना और कमेंट करके बताओ कि वीडियो कैसा लगा ब्रेक एंड कंटिन्यू के बारे में तुम्हें समझ आया कि नहीं आया ठीक है चैनल पे नए हो यार तो सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को प्रेस कर देना जिससे तुम्हें सारी नोटिफिकेशन की अपडेट सबसे पहले मिलते रहे ठीक है चलो तो मिलते हैं नेक्स्ट में बाय बिफोर लॉन्च पैड ऑफ द न्यूटॉन स्कूल डाउट कैन गेट दर्टिफिकेट्स एज वेल सो चेक आउटॉन स्कूल